हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ मेरे भाई का गार्डन देखें, कितने अच्छे से थर्ड फ्लोर पे भी इतने इतनी तेज़ धूप में बहुत ही अच्छे से हरे भरे से हैं सारे प्लांट्स, और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। और विंटर वाले भी जितने सीजनल प्लांट्स थे फ्लावरिंग के, वो भी अभी तक थोड़े बहुत फ्लावरिंग हो रही है। और ये चांदनी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, और थर्ड फ्लोर पे हैं ये, तो बहुत ही अच्छे से एक्जोरा में भी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छे से एक्जोरा में, और ढेरों बड्स हैं इनमें और ढेरों फ्लावर्स हैं, तो बहुत ही हेल्दी भी है प्लांट्स सारे जितने भी हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दीवार भी छोटी है और कोई शेड वाला कोई ग्रीन नेट भी नहीं है, तब भी बहुत अच्छे से माशाल्लाह सारे प्लांट्स चल रहे हैं, और साथ में फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी हो रही है। कितने ब्यूटीफुल से फ्लावर्स देखिए, कितने बड़े बड़े से। ये परचूलका है, पर्सलेन, और कितने प्यारे प्यारे से हैं, कलर कितना प्यारा है। और ये जो सदाबहार है विनका, ये भी ढेरों खिले हुए हैं, कितनी अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं जबकि इतनी तेज़ धूप हो रही है इस टाइम। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करें। जब मुझे कुछ अच्छा लगता है तो आप लोगों से शेयर करने का मन करता है कि आप लोग भी हमारे साथ साथ देखें। और चांदनी भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सब में फ्लावरिंग हो रही है। ये 4 o'clock है, शाम के टाइम जो खिलता है, और एक्जोरा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही अच्छा प्लांट्स होता है, गर्मी और बरसात में खिलता है, भर भर के फ्लावरिंग करता रहता है। और इसको कट कर दिया था तो फिर से फ्लावरिंग कर रहा है, जब ये खिल जाते हैं फ्लावर तो फिर से कट करने से फिर से इनमें कलियाँ आ जाती हैं। ये लेमन ग्रास कितना हेल्दी है, और ये कटिंग लगाई थी पीछे जो रखा है वो भी चल गई है, और रोज़ और हिबिस्कस जितने भी हैं तो उनको कटिंग किया था, उसके बाद बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है उनकी। और ये कितने बड़े बड़े से खिल रहे हैं, परचूलका, पर्सलेन, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। देखिए कितना प्यारा कलर है इनका, ये सारा दिन की फुल धूप में है ऊपर थर्ड फ्लोर पे, तो बहुत ही अच्छे से प्यारे प्यारे से खिल रहे हैं, और ढेरों कलियां भी इनमें हैं, और सारी ब्रांचेस लंबी हो के नीचे लटक रही हैं नीचे की तरफ। तो जब ये विनका बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, जो डबल कलर में हैं दोनों, वाइट और पर्पल, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़े बड़े से फ्लावर खिल रहे हैं इनमें। ये भी ब्रांचेस सारी लंबी हो गई हैं, कट करने वाली हैं, कटिंग लगाने वाली है दूसरी जगह। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी गार्डनिंग कर सकते हैं जिनको पसंद है पौधे लगाना, गार्डनिंग करना। जो घर के वेस्ट चीज़ों में भी, छोटे छोटे डब्बों में भी आप देखिए लगा सकते हैं, कितने छोटे डब्बे हैं देखिए विनका के, और कितनी अच्छे से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। और डब्बा आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से डब्बा हैं ये, वेस्ट जो हमारे कबाड़ में होते हैं तो हम लोग उनको कबाड़ी को दे देते हैं या फेंक देते हैं। तो कितने अच्छे से देखिए फ्लावरिंग हो रही है इनमें, ये विनका तो सारे वेस्ट में है छोटे डब्बों में।